व्यापम घोटाला कुछ इस देश का ही नहीं, इस दुनिया का एक ऐसा घोटाला है जिसमें अपराध, साजिश और हत्याओं का एक ऐसा मिलाजुला घृणित अध्याय है जिसको पढ़कर शर्म आती है, लज्जा आती है। ऐसा लगता है जैसे एक अपराध हुआ, फिर अपराधियों ने उस अपराध को छिपाने के लिए दूसरा अपराध किया, तीसरा अपराध किया, चौथा अपराध किया और अपराधियों ने सिलसिलेवार इस कहानी में हत्याओं की एक कड़ी बना दी, जो शर्मनाक है, दुखद है। अब मुझे दुख एक ही बात का है, जब कभी क्रिमिनल केस होता है तो प्रारंभिक एविडेंस जो होती है, प्रिलिमिनरी एविडेंस जो होती है, वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। सीबीआई को देने में शिवराज सिंह जी ने जो एक आपराधिक देर की है, उसका नतीजा होगा कि बहुत सी जगह एविडेंस अब तक मिटाई जा चुकी होंगी और आगे क्या होगा। और इसमें एक खेल और मेरे समझ में नहीं आ रहा, शिवराज सिंह जी की सरकार भाजपा की दिल्ली में है, उन्हें सीधे पत्र लिख देना चाहिए था यहाँ दिल्ली में कि इसकी सीबीआई जांच कराई जाए और वहां हाईकोर्ट को इसी तरह इन्फॉर्म कर देना चाहिए।